नमस्कार, सवाल आपका, देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। सिस्टम वीक, पेपर लीक, आप समझ गए होंगे मैं किस पेपर की बात कर रहा हूं। शनिवार को पूरा देश जश्न के मूड में था क्योंकि हरियाणा के छोरे नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड पर भाला गाड़ दिया था। लेकिन इसी बीच हरियाणा में एक बड़ा खेला भी देखने को मिला। HSSC सिपाही पद की लिखित परीक्षा का पेपर लीक हो गया। तो एक तरफ हरियाणा सरकार ओलंपिक खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए के इनामों की बारिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ HSSC सिपाही पद की लिखित परीक्षा की आंसर की 12-12 18-18 लाख में बिक रही थी। सीक्रेसी पर सालाना खर्च होने वाले करोड़ों रुपए को पेपर लीक गिरोह ने धत्ता बता दिया और एग्जाम में पारदर्शिता के दावों की भी पोल खोल दी। पुरुष कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के लिए 5,500 पदों के लिए 8 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया था, लेकिन परीक्षा आयोजित होने के कुछ ही देर बाद आंसर की लीक होने की खबर फैल गई, जिसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा रद्द कर दी। परीक्षा आयोजन की तारीख 7 और 8 अगस्त थी, यानी आज भी पेपर होना था। पेपर लीक मामले में पुलिस आरोपियों की लगातार गिरफ्तारी कर रही है। जींद, हिसार, फतेहाबाद से आरोपियों को गिरफ्तार किया भी गया है। आपको जानकारी दें कि 9 जनवरी को ग्राम सचिव की परीक्षा का पेपर भी लीक होने के चलते रद्द हो गया था। पेपर लीक होने से लाखों युवाओं को बड़ा झटका लगा है और वहीं इस पेपर लीक की वजह से विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करे और पारदर्शी परीक्षा लेने की व्यवस्था करे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को बर्खास्त करने की मांग की, तो रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सीएम मनोहर लाल को सामने आकर स्थिति साफ करनी चाहिए। लेकिन ग्राम सचिव के बाद हरियाणा पुलिस की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होना कई बड़े सवालों को जन्म दे रहा है। वो सवाल क्या है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको विपक्ष की तरफ से जो कुछ रिएक्शन सामने आए हैं वो दिखाते हैं कि किसने क्या क्या कहा है। कुमारी शैलजा ने कहा, इस सरकार ने पेपर लीक में नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक होने हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हमारी मांग है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को तुरंत बर्खास्त किया जाए, पेपर लीक मामले की न्यायिक जांच करवाई जाए। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सुरजेवाला ने कहा, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ है, अगर हाँ तो वो पेपर माफिया कौन है और उसके तार किस सफेदपोश से जुड़े हैं? क्या मुख्यमंत्री सामने आकर पूरी स्थिति को स्पष्ट करेंगे? ये सवाल पूछा उन्होंने। अभय चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार से मांग करता हूं कि पुलिस परीक्षा लीक करने वाले रैकेट का पर्दाफाश करें, सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करे और पारदर्शी व्यवस्था लाई जाए। हर परीक्षा में सरकार की नाकामी सामने आ जाती है। ये सवाल खड़े किए। सिस्टम वीक, पेपर लीक, सिस्टम कब होगा ठीक? ये बहुत बड़ा सवाल है। लगातार ऐसी खबरें सामने आती हैं, ये ठीक कब होगा? सिपाही पद का एग्जाम था, बेहतर क्यों नहीं थे इंतजाम? ये बहुत बड़ा सवाल है। इंतजाम बढ़िया क्यों नहीं थे? पेपर लीक गिरोह सक्रिय, पुलिस कब करेगी निष्क्रिय इस गिरोह को, इस प्रकार के गिरोह को? पुलिस प्रशासन का काम है परीक्षार्थियों के साथ छल, गिरोह कैसे हुआ सफल? ये बहुत बड़ा सवाल ये भी। और आरोपियों की गिरफ्तारी, खत्म होगी पेपर लीक महामारी? ये बहुत बड़ा सवाल है कि कब ये महामारी खत्म होगी, यानी ये भी एक महामारी है। आपके मन में कुछ सवाल चल रहे हैं तो आप भी इन नंबर के जरिए अपना सवाल इस मंच के जरिए उठा सकते हैं। क्या परेशानी आपको हुई इस पेपर लीक होने से और क्या आपको दिक्कतें आगे आ सकती हैं? नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन नंबर पर कॉल करके आप सवाल पूछ सकते हैं। ये परिस्थितियाँ आखिर बनती क्यों हैं? पेपर लीक हुआ कैसे? इसके पीछे साजिश किसकी है? और प्रशासन, शासन, पुलिस क्या कर रहा था? HSSC के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि इससे पहले 9 जनवरी को ग्राम सचिव की परीक्षा, वो भी इसी वजह से रद्द हो गई थी कि पेपर लीक हो गया था। और एक बार फिर से पेपर लीक हो गया है, उसमें भी लाखों परीक्षार्थियों ने पेपर दिया था, इसमें भी लाखों परीक्षार्थी, 8 लाख से ज़्यादा जो हैं परीक्षार्थी, वो एग्ज़ाम देने गए थे। अब उन लोगों को एक बार फिर से परीक्षा देनी होगी। बहुत सी समस्याएं सामने आएंगी, क्या क्या दिक्कतें सामने आएंगी, इस पर बात करना ज़रूरी है। और ये कमी, कमज़ोर कड़ी कहाँ है, इस पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो फिर सरकार भी सवालों के घेरे में आती है। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, शंभू भद्रा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शंभू जी, बहुत स्वागत है आपका। और शिक्षाविद के तौर पर मेरे साथ आज हवा सिंह जी जुड़े हैं। हवा सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं शंभू जी पहले आपसे बात कर लेते हैं। ये परीक्षा 8 लाख से ज़्यादा बच्चों ने दी और पेपर कराने के लिए 25-26 करोड़ रुपए से ज़्यादा HSSC को इंतज़ाम करने के लिए खर्च करने पड़ते हैं, अब एक बार फिर से करना पड़ेगा,
तो ऐसी जो चीज़ें सामने आती हैं वो सिस्टम पर भी, सरकार पर भी सवाल खड़े करती हैं और दोबारा से परीक्षा लेनी पड़ती है। ये इतनी बड़ी कमी हो जाती है, इतनी बड़ी चूक कहाँ हो जाती है आखिरकार? पेपर लीक करने वाला अगर वो पेपर लीक कर लेता है, पुलिस पकड़ भी लेती है, फिर पेपर लीक हो जाता है, कहाँ साठगांठ है ये? देखिए, इसमें जो बड़ी वजह है कि अभी तक इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए और उसमें कई बार पेपर लीक के मामले आ चुके हैं, आरोपी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन किसी भी मामले में देखिए तो गंभीरता से सजा नहीं हुई है। पेपर लीक का जो एक खौफ है, वो कानून का खौफ हो, चाहे पुलिस का खौफ हो, चाहे सिस्टम का खौफ हो, वो लोगों के मन में पनप ही नहीं पा रही है। और सरकार, इससे सरकार की फेल्योर सामने आती है कि आप एक परीक्षा ले रहे हैं, आपकी तैयारी इतनी लचर है कि आसानी से पेपर लीक हो जा रहे हैं, क्यों सक्रिय है और आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो खास करके जो बोर्ड से जुड़े हुए लोग हैं, यानी परीक्षा आयोजन कराने से जुड़े हुए जो लोग हैं, बिना उसके कंसर्न के कोई भी पेपर लीक नहीं कर सकता है। तो ये हमारे सिस्टम पे सवाल है, हमारे कम्प्लीटली जो सिचुएशन बना हुआ है प्रदेश में उसको देखिए कि इससे पहले कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आई है और फिर भी सरकार चेक एंड बैलेंस ऐसा नहीं कर पा रही है कि पेपर लीक ना हो सके। और देखिए, 8 लाख विद्यार्थी संकट में आ गए हैं कि एक बार उन्होंने एग्जाम दिया, दिन में जिनका एग्जाम सही गया होगा वो खुश होंगे, शाम होते होते उनके पेपर रद्द हो गए, वो सारे दुखी होंगे शाम, तो ये अच्छी बात नहीं है। और ये जो खास करके हरियाणा में जो परीक्षा आयोजन कराने में जितने भी आयोग हैं, इनकी जो विश्वसनीयता है उस पे सवाल होता है, उठता है। पहले भी आपने देखा है कि एक तो हमारे यहाँ जो भर्तियां कम निकलती है, उसके बाद जब निकलती है तो उसके भर्ती होने तक की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि एग्जाम के बाद फिर रिजल्ट के बाद बहुत सारे प्रोसेस है, उससे भी नहीं होता है तो कई बार भर्ती सरकार खुद ही भर्ती रद्द कर देती है। इतना ही नहीं, कई मामले कोर्ट में चले जाते हैं। तो यानी कि एक 500-600 पद की भर्ती के लिए 5-6 साल 7 साल विद्यार्थियों के खराब हो जाते हैं और रिजल्ट कुछ नहीं होता है, कुछ निकलता नहीं है। और ये केवल हरियाणा की स्थिति नहीं है, अगर आप गौर करके देखेंगे तो पूरे देश की स्थिति है ये। अलग अलग राज्यों में देखिए, यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, कई सारे प्रदेश में आप देखिए कि इस तरह की परीक्षाएं लटकी रहती है, वर्षों वर्षों लटकी रहती है, टाइम बाउंड कुछ होता नहीं जी। इनको ऐसा लटकाया क्यों जाता है, बड़ा सवाल है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। इस बीच रणधीर सिंह रोहतक से दर्शक जुड़ गए हैं, ऐसा क्यों किया जाता है? बहुत बड़ा सवाल है कि ये पेपर लीक होना, भर्ती को लटका देना, खुद सरकारें भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर देती हैं, ऐसा होता है क्यों? ये आपसे जानूंगा, लेकिन इस बीच रणधीर सिंह जी से बात कर लेते हैं। रणधीर जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार रणधीर सिंह जी। शमशेर जी, देखो, हमारे देश में ये एक परंपरा बन चुकी है कि कोई भी पेपर होता है वो पहले ही आउट हो जाता है, कोई भी सरकार हो, और इसके अंदर बगैर हमारे नेताओं की मिली भगत के ये काम कभी भी नहीं होता, इसके लिए सरकारें जिम्मेवार हैं। और मेरा तो ये मानना है कि तो ये आयोग बनाए गए हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, और जितने भी स्टूडेंट ही कहो, इनको जो परीक्षा देने के लिए गए थे, इनको एक दिन की दिहाड़ी देनी चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट के बुलावे पर गए थे, जो इनका खर्चा हुआ वो खर्चा भी देना चाहिए गवर्नमेंट को। इसलिए गवर्नमेंट पर इन सभी को मिलकर केस डालना चाहिए जी, और कड़ी से कड़ी इसमें कार्रवाई की जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रणधीर सिंह जी, अपनी बात आपने रखी है और उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। और इन बच्चों ने जो पेपर दिया है, उन बच्चों ने पूरा दिन खराब किया है, उस दिन का उन्हें मेहनताना, उनका खामियाजा सरकार को भोगना चाहिए और केस करना चाहिए। मैं आ रहा हूँ आपके पास शंभू जी, हवा सिंह जी से बात कर लेते हैं, एक बार फिर आपके पास लौटूंगा तो पूछूंगा कि ऐसा होता क्यों। हवा सिंह जी, ये महामारी बन चुकी है पेपर लीक होना, हम कोरोना महामारी की तो बात करते हैं, लेकिन हमारे देश में इससे बड़ी महामारी है पेपर लीक होना। और ये तो वो बातें तो सामने आ जाती हैं, अगर मान लेते हैं ये पेपर जो आउट हुआ और नहीं पहुंचता उन लोगों तक, व्हाट्सएप पे नहीं आता, या फिर जिन लोगों को जिम्मा दिया गया था इस पर मुस्तैदी से काम करने का, बाई चांस 1% हम मान लेते हैं ऐसा नहीं होता, तो फिर बड़ा खेला हो गया था। जो हम खेले की बात करते हैं, उन बच्चों के साथ खेला हो गया था जिन्होंने पूरे साल भर तैयारी की, 2 साल तैयारी की, उनके साथ तो हो गया था ना इंसाफ। शमशेर जी, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक बड़ा ऐसा विषय लिया जो हमारे देश के युवकों का भविष्य निश्चित करता है।
जी बहुत शुक्रिया। रोजगार के अलावा अलावा जो उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जो उनकी मेहनत है, उसको भी दर्शाता है कि हमारा युवा जो है ना आज कहाँ पर खड़ा है, उसके जो इंटेलेक्चुअल जो उसकी इंटेग्रिटी है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है उसकी, उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारा हरियाणा ही नहीं सारा देश इसकी चपेट में है आज। परंतु वो बातें बड़ी अहम है क्योंकि मैं इस सिस्टम से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं कई स्टेट का एग्जामिनर रहा हूँ, मैं खास स्टेट का एग्जामिनर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी का भी मेरे अंडर रहा है सारा सिस्टम, मेडिकल का है, इंजीनियरिंग कॉलेज का है। और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी जिसने 2003 में सारे हिंदुस्तान के बेस्ट इंटेलेक्चुअल को बुला के एक सेमिनार करवाया कि सिस्टम कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो दुर्भाग्य की बात यह है, कब 2003 में हमने ये करवाया था सेमिनार, मेरे पास बुक भी है, मैं चाहते तो किसी को चाहिए तो मैं भेज भी दूंगा उस किताब को। बिल्कुल, मैंने उसको प्रिंट, हाँ, प्रिंट रूप में भी करवाया जी। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सिस्टम में इन्वॉल्व रहता है। मैं बहुत से उदाहरण दे सकता हूँ जहां पर मैंने फेस किया अपने जीवन में, परंतु मैं उनमें जाना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगे क्योंकि डिबेट ये पर्सनल हो जाए। बिल्कुल, मैं को नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं एक बात को आज तक समझ नहीं पाया, जो हमारा यूपीएससी है वहां पर क्यों पेपर लीक होता। बहुत इंटरेस्ट एग्जाम्पल है, जब से ये हमारा ब्रिटिश सरकार ने यूपीएससी सिस्टम शुरू किया था, हमने नहीं शुरू किया, ये बिफोर इंडिपेंडेंस 1932 में शुरू हो चुका था, तो उसमें लीकेज क्यों नहीं होती। कभी भी हमने इस बात को स्टडी नहीं किया, किसी भी स्टेट ने स्टडी नहीं किया कि हम का सिस्टम क्या है जिसकी वजह से आज भी बहुत फेयर है वहां पर। स्टेट लेवल पे हम देखते हैं कि एक तो गजेटेड ऑफिसर के लिए हमारे पास बॉडी है, एक नॉन गजेटेड ऑफिसर के लिए बॉडी है, हरियाणा में एक तीसरी बॉडी भी आई, वो जुडिशियल बॉडी आई। जब 2003 में सारे जो एग्जाम थे जुडिशियल के, उसमें सारे बच्चों को फेल कर दिया गया हरियाणा सर्विस सिलेक्शन सर्विस कमीशन ने, तो उस पे एक कोर्ट केस हुआ, एक जैन बच्चा तो ने कोर्ट केस किया, कोर्ट ने कहा भी आगे से इसका एग्जाम हम लेंगे। मुझे बड़े दुख के साथ इस चैनल पे कहना पड़ रहा है कि वो 2017 वहां पर भी पेपर लीक हो गया। वहां पर यदि आप उसे सारे स्टेट को केस को स्टडी करें, बड़े हैरानी की बात है, वहां के एक रिटायर को डिसमिस कर दिया गया, शर्मा जी को, बाकी इन्वॉल्व थी सिस्टम में कि पेपर सेटर का एग्जाम कौन मालिक था, किसके कस्टडी में थे पेपर, कौन पेपर सेटर थे, क्या प्रिंट लेवल पे हुआ या पेपर सेटर के लेवल पे हुआ या शर्मा जी के लेवल पे हुआ या एक बॉडी थी उसके लेवल पे हुआ, उसको वन वे और वे वो कोर्ट के ऐसे चक्कर में फंसा के सुप्रीम कोर्ट में इन्वॉल्व हुआ, हाई कोर्ट भी इन्वॉल्व हुआ, लास्ट डिसीजन सारी बात को दबाने के लिए उस रजिस्ट्रार को जो है डिसमिस कर दिया गया। आप देखते हैं कि हमें ये बात का जरूर, मैं आज पंजाब सरकार के यहाँ मैं जरूर प्रशंसा करूंगा क्योंकि मैं उनका कई साल पेपर सेटर रहा हूँ, कि वो क्या करते हैं कि वो लोगों को 5-6 एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं एक पेपर के, उन टाइम वो पेपर तैयार करवाते हैं, फिर 6-7 जो एक्सपर्ट ने अपनी राय से 6 पेपर का पैकेज तैयार किया, उसमें से रिसफलिंग करके वो फाइनल पेपर देते हैं, और वो एक पहले जो है उस पेपर को उस एग्जामिनर के साथ सेंटर पे ले जाया जाता है, ऑन द स्पॉट होता है, वहां कोई चांस ही नहीं है, ना प्रिंटिंग का चांस है। आज तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, पहले तो मैं जाना पड़ता था कहीं और बहुत धक्के खाना, आज कहीं जरूरत नहीं है, इतने पेपर उसको एक घंटे में वो जो ना 10,000 पेपर निकाल देती है मशीन जी। तो मैं जुड़ा रहा हूँ वहां पर, कोई चांस ही नहीं है। तो सरकार, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये आप इस मसले में कहना चाहते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं जो हम पेपर तैयार करते हैं या हमारा जो सिस्टम तैयार करता है, सरकार की जो भूमिका है वो सवालों के घेरे में आ जाती है, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर जवाबदेही जब तक तय नहीं होगी तब तक इस प्रकार के मसले आते रहेंगे। मैं आ रहा हूँ आपके पास शंभू जी, आपके पास मैं आऊँगा। ये सब जो है आपने कुछ बातें बताई कि एग्ज़ाम को लेकर, लेकिन ये सब हमारे देश में इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए पहल क्यों नहीं होती, इसके पीछे कारण क्या दिखता है आपको? जब तक हमारी सरकारें, उनको ये भी पता है कि अगर पेपर आउट हुआ तो सरकार की फजीहत भी होगी, उसके साथ साथ लोगों के अंदर गलत मैसेज भी जाएगा, लेकिन फिर भी ये सब हो क्यों जाता है? शंभू जी, बात
तभी जो हमारे शादी कर रहे थे कि हमेशा पॉलिटिकल कनेक्शन जो है तो बहुत इसमें इम्पोर्टेंट रोल है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि पेपर आउट करने में कोई पॉलिटिकल कनेक्शन का नेक्सस काम कर रहा होता है। पॉलिटिकल ये क्वेश्चन आउट करने के जो नेक्सस हैं वो है एजुकेशन माफिया, जो एजुकेशन कोचिंग चलाते हैं, जो कि अलग अलग सेंटर्स पे विद्यार्थियों के पास होने की गारंटी लेते हैं, और उनका नेटवर्क जो जो आयोग में लोग हैं, आयोग में जो लोग परीक्षा कंडक्ट कर रहे होते हैं, ये उन लोगों में और ये एजुकेशन माफिया जो कोचिंग माफिया है, इन दोनों के नेक्सस का बड़ा रोल होता है किसी भी परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट करने में, और यही लोग काम कर रहे होते हैं। और उसमें देखिएगा कि अक्सर क्या होता है कि छोटे स्तर पे जो कर्मचारी हैं वो निशाना बनते हैं, वो आसानी से फोटो लेकर के चाहे ये करके चाहे वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मान लीजिए कि वो क्वेश्चन को आउट करते हैं। ज्यादातर केस में ऐसा मिलेगा आपको, बड़े स्तर के अधिकारी या बड़े स्तर के लोगों को पता ही नहीं चल पाता है, वो जब मामला सामने आता है तब पता लगता है कि क्वेश्चन पेपर आउट हो गए हैं। एक बात बड़ी अच्छी बात, लेकिन एक अहम बात है शंभू जी इसमें कि ये सब हो जाता है और पता भी लग जाता है कि फला फला व्यक्ति इसमें शामिल हैं, पर जो सजा का हमारा प्रावधान है वो पता नहीं क्या है उसके अंदर ऐसा कि लोगों को डर नहीं है पीछे। हाँ, पेपर लीक हुए बहुत बार, ये डर तो सरकार को कायम करना पड़ेगा, इसको किस तरीके की उसमें जैसे यूपीएससी का मॉडल है कि यूपीएससी का कभी भी कोई क्वेश्चन पेपर आउट नहीं होता है, तो प्रदेश के जितने भी बोर्ड है, इवन की जो एसएससी जो केंद्रीय एसएससी है वो अगर कोई परीक्षा तो उसका भी क्वेश्चन पेपर आउट नहीं होता है। तो सेंट्रल लेवल जो भी मैकेनिज्म है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जितने भी परीक्षा बोर्ड है उनको सेंट्रल के मॉडल को अपनाना चाहिए और उस मॉडल के आधार पे एग्जाम करवाना चाहिए ताकि इस तरह की चीजें ना हो। लेकिन आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट भर्ती परीक्षा को लेकर के इसको एक तरह से चुनावी एजेंडा बना के रखता है कि जब मान लीजिए एग्जाम जब चुनाव सामने होंगे या कोई बात होगी तो उस समय में वैकेंसी निकालेंगे, प्रोसेस को 3 साल लटकाएंगे। ये सब ईमानदारी से वो ना तो भर्ती करना चाहते हैं ना ईमानदारी से भर्ती प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो ये सब कमियां हैं, लूप होल्स हैं, इनको दूर किए जाने की जरूरत। प्रशासनिक तंत्र को मजबूत होना पड़ेगा और जब तक मजबूत नहीं होगा तो इस प्रकार की फजीहत होती रहेगी। मैं हवा सिंह जी आपसे पूछूं, जिन बच्चों ने पेपर दिया और बड़ी ईमानदारी से तैयारी भी की, उन बच्चों का क्या कसूर है? और जिन लोगों ने गलत किया उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने गलती की ही नहीं तो उन लोगों को इसका लाभ तो मिलना चाहिए। क्या किस प्रकार का लाभ सरकार की तरफ से मिलना चाहिए? तभी तो कुछ दबाव बढ़ेगा ना, और उन बच्चों को भी किस प्रकार की अपनी तरफ से अपील करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें कई चीजें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जो ये प्रोसेस है सिलेक्शन प्रोसेस, इसको हम किस प्रकार के ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम रूट कॉज पे नहीं जाएंगे, 5-7 कैथल पकड़ लिए, जींद पकड़ लिए, सारा ड्रामा है, बुरा नहीं मानना, मैं बड़ा आदमी, सारा ड्रामा है। तो काज कोई है, चोरी कोई कर रहा है, पकड़ा कोई जा रहा है, जब मुझे में कोई चीज मिल रही है मैंने खरीद ली, तो चोर तो वो तो बाजार में बेच रहा है, उसको तो पकड़ नहीं रही सरकार। उसको रे तो बाजार में कोई चीज मिलती है शमशेर जी, किसी को मिलती है खरीदेगा जी, तो जब मैं चीज अवेलेबल है तो कौन नहीं खरीदेगा, मुझे बताइए आप। आप रूट कॉज पे नहीं जाती सरकार, कभी भी हमारे लोग रूट कॉज पे जाते भी, हम इस प्रोसेस को ही ठीक कर दें, मौका नहीं मिलेगा, मौका नहीं। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैलेंज चैनल से कि आप अपने जो पेपर सेटिंग सिस्टम है और डिस्ट्रीब्यूशन पेपर है, दो को ठीक कर दीजिए। कोई माफिया नहीं काम कर सकता, जो मेरे साथी ने कहा भी एक माफिया काम करता करेगा वो, तो जब मार्केट चीजें अवेलेबल होंगे वो खरीदेंगे, और जिसकी इतनी ताकत होगी पॉलिटिकल होगी पैसे की होगी वो तो चलेगी, वो दूसरे देशों में भी चलती है, परंतु उन्होंने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया। हम यहाँ पर आदमी को ब्लेम के देते हैं और आदमी को कोशिश करते हैं आदमी ठीक हो, आदमी तो सिस्टम ठीक करेगा, आदमी कोई ठीक नहीं होता। मोर और लेस हर इंसान जो इस देश में आया है, इस संसार में आया है, उसकी कमजोरी है, ये हमें पड़ेगा। जितनी भी थ्योरियां सबने कहा कि सिस्टम आदमी को ठीक रखता है, आदमी कहीं ना कहीं हिल जाता है, कहीं पर प्रेशर है, पैसे का प्रेशर है, घर का प्रेशर है, रिश्तेदारों का प्रेशर है, हम क्यों ना को स्ट्रॉन्ग करें जिससे कि परमानेंट बीमारी हमारे देश से निकल जाए और हमारे देश के लोगों को न्याय मिले। तो उसपे हम
निकालते ना कोई कमेटी बनी आता सरकार ने, आपने कहा ग्रामीण चीफ के हुए, पहले जुडिशरी के पेपर हुए, उससे पहले जुडिशरी के पेपर हुए, हरियाणा ने सारे संसार में तो कोविड बन चुका है, विशेषकर हिंदुस्तान में, तो कभी भी हम इस बात पे कोशिश नहीं करते कि सिस्टम को कैसे करेक्ट करें। इन कुछ भी काम नहीं कर सकता। मैं आपको 2001 का एग्जाम्पल दे सकता हूँ ऑन रिकॉर्ड कि सारा काम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने मेडिकल का और इंजीनियरिंग कॉलेज का कराया जिसमें करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। मैं आपके के मैनेजर से चैलेंज करता हूँ 2001 में कोई भी एक एग्जाम्पल कोई आदमी आके दे दे मेरे साथ बच्चे साथ जाती हुई या पेपर में, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, जो सजा देगी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। क्यों हमने उनको स्ट्रॉन्ग किया, आदमियों को स्ट्रॉन्ग नहीं किया, सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया। यहाँ पर क्या कि सिस्टम की तो बात करते नहीं हम बिल्कुल। आज हवा सिंह जी, हमने जो प्रोग्राम का नाम भी ऐसा ही रखा है, सिस्टम वीक पेपर लीक। सिस्टम वीक होगा तो सारी चीजें खराब हो जाएंगी। मैं लौटूंगा आपके पास, एक दर्शक मेरे साथ है पंचकुला से, क्या कहना चाहते हैं सुन लेते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हेलो जी, स्वागत है सर, बोलिए। हाँ जी, ये जो पेपर लीक वाली बीमारी है ना जी, ये बीजेपी सरकार के बाद ही शुरू हुई है, इसके बाद, क्योंकि ये भर्ती करना नहीं चाहते जी, है ये बहाने ढूंढते हैं ये अपने आदमियों से पेपर लीक करावा है नहीं जी, क्योंकि अगर ये चाहें कि पेपर लीक ना हो तो जो पेपर सेटर है ठीक है नहीं, उसी को ये सारा कुछ देना चाहिए, प्रिंट करने का भी काम उसी को दें, है बाकायदा सील बंद हो करके लिफाफे सेंटर में जाएं जहां एग्जाम हो रहा है जी, तो ये सिस्टम ठीक हो सकता है, लेकिन ये चाहते नहीं, क्योंकि इन्होंने भर्ती कोई नहीं करनी, लगे हुए निकालने का तो काम करते हैं ये, है नहीं, ये बहाने उल्लू बना रहे हैं पब्लिक का जी, ये बेरोजगारों को और उनके पास से लूट रहे हैं किराए के जरिए, फार्मों के जरिए इन्होंने लूट मचा रखी है जी। बहुत शुक्रिया बतराम जी। कुलदीप है हिसार से दर्शक, उनका भी सवाल लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। कुलदीप जी स्वागत है आपका। चले संपर्क उनसे टूट गया है। शंभू जी, बातें बतराम जी ने कही हैं कि ऐसे ऐसे आरोप वो लगा रहे हैं, ऐसी बातें भी निकल कर आती हैं सामने, विपक्ष भी इस प्रकार के आरोप लगाता रहता है, जब भी किसी पार्टी की सरकार होती है जिसकी नहीं होती वो ऐसी बातें करता रहता है। अब सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए काम होना चाहिए, और जब तक सिस्टम हमारा बेहतर नहीं होगा तब तक ऐसी खबरें सामने आती रहेंगी। और सजा की बात हम कर लेते हैं, जिसने गलत किया है उसका जड़ में जाना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि वासिंग जी बात कर रहे हैं, जड़ को जब तक नहीं पकड़ेंगे तब तक ऐसी खबरें आती रहेंगी, हम चर्चा करते रहेंगे, महामारी खत्म नहीं होगी। देखिए हवा सिंह जी ने दो अच्छी बातें कही है अभी हमारे बातचीत के दौरान में, कि एक तो पेपर सेटिंग का जो तरीका है, जो पेपर सेटिंग आप करते हैं उसमें कम्प्लीटली इतना वेरिएशन रखिए कि कहाँ से कौन पूछा जाएगा, किस तरह की सेटिंग आ रही है, उसका एक फाइनल जो निकलेगा वो किसी को पता ना हो, तो एक पेपर सेटिंग के लेवल पे एक सुधार की जरूरत है। दूसरा की जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जब तक आप फुल प्रूफ नहीं करेंगे तब तक जो है तो परीक्षा के क्वेश्चन को आउट करने से आप रोक नहीं सकते। तीसरा की जिम्मेदारी जो है, जो लोग इस परीक्षा को कंडक्ट करा रहे हैं, जो क्वेश्चन पहुंचा रहे हैं एग्जाम सेंटर तक, उनमें जो जो लोग जिम्मेदार हैं, उन लोगों की नैतिकता क्या है, उन लोगों के लिए क्या सुरक्षा इंतजाम आपने किया है, क्या सिस्टम बनाया है कि कोई भी गलती करेगा तो पकड़ा जाएगा, ये सिस्टम वहाँ पे एक मजबूत सिस्टम बनाना पड़ेगा। चौथा एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जब भी इस तरह की घटना घटती है तो जो लोग जिम्मेदार हैं उनको कानून के कटघरे में ला करके जब तक उनको आप कड़ी सजा नहीं देंगे तब तक अगला को सबक नहीं मिलेगा। तो एक ये डर जरूरी है पैदा करना कि अगर मान लीजिए कहीं पे क्वेश्चन लीक हुई है तो उसके पीछे कौन लोग है, किन लोगों ने इसको आउट किया है, कैसे आउट हुआ है, कौन कौन जिम्मेदार है, उसमें जो प्रशासनिक स्तर से जो लोग शामिल हैं उन लोगों को, और जो प्रशासन से बाहर के लोग शामिल हैं, जो इस रैकेट में शामिल हैं, उनको भी कटघरे में लाया जाए, और सभी लोगों को आप कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान नहीं करेंगे तो तब तक ये रुकेगा नहीं, डर पैदा नहीं होगा, आगे आप कुछ कर नहीं पाएंगे, बार बार इस तरह की पुनरावृत्ति होती रहेगी। आप देखिए कि प्रदेश में हर 2-6 महीने 8 महीने में एक नए इस तरह का मामला देखने को मिलता है, तो ये सब अच्छी बात नहीं है और सरकार की छवि इससे खराब होती है जी, सरकार की छवि को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। हवा सिंह जी एक बात और आपसे, चार चार लेयर की सिक्योरिटी होती है एग्जाम के दौरान, और वहां पर भी दूसरा व्यक्ति बैठ जाता है, इस पेपर में भी ऐसा मिला कि कोई दूसरे की जगह परीक्षा दे रहा था, और कई जगह ऐसे ऐसे मामले सामने आते हैं, पेपर किसी का एग्जाम किसी का होता है
और वहाँ पर बैठ कोई और जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी धांधली है। और ये तो पेपर आउट होने से भी बड़ा हुआ है, क्योंकि अगर इसमें ये ना पता चले कि कौन व्यक्ति किसके जगह बैठ गया है तो वो तो समझ लीजिए इंटेलिजेंट केस है, तो वो तो पास हो जाएगा पेपर में। शमशेर जी, मैं दो तीन बातें साथी ने बहुत अच्छी बातें रखी हैं, मैं दो तीन बातें और भी कहना चाहता हूँ। मेंबर लगते हैं या चेयरमैन बनता है वो वहीं से नीम खराब हो जाती है। सुधार की बात कर रहे हैं, जब मेरे को आपने लगाया है चेयरमैन तो मैं आपको ओबलाइज करूंगा। मेरी कोई एप्लीकेशन मेरी नहीं है, मेरे का कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई चैनल नहीं है मेरे को सिलेक्शन का। जब मैं ही गलत तरीके से लगूंगा तो मैं गलतियां करूंगा। मुझे आप समझ नहीं आ रही, जो चेयरमैन लगते हैं कोई सरपंच है, कोई नंबरदार है, कोई हाली ग्रेजुएट है, कोई बीएड मास्टर है बेचारा प्राइवेट स्कूल में काम करता है, वो सरकार ने किसी भी सरकार ने, मैं सरकार की बात है, किसी भी सरकार ने कोशिश नहीं की कि जो ये बनते हैं चेयरमैन बनते हैं पहले तो इनको ठीक करें ना। शमशेर जी, एक चीज माफी के साथ कहना चाहूंगा। जी हाँ जी, हाँ जी, जी बोलिए शंभू जी। एक चीज माफी के साथ अहवा सिंह जी से मैं कहना चाहूंगा कि चेयरमैन किसी भी तरीके से कोई भी आदमी बनते हो, कोई भी परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर सेट होता है वो चेयरमैन को पता नहीं होता है। मुझे नहीं पता कि किस एग्जाम के लिए कौन से, वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं, क्वेश्चन हमेशा एक्सपर्ट सेट करते हैं। चेयरमैन हो चाहे एचएसपीसी के सदस्य हो या दूसरे बोर्ड के सदस्य हो, वो राजनीतिक लोग हो सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हाँ वो ये कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई एग्जाम हो रहा है, एग्जाम में किसी अपने कैंडिडेट को लाने के लिए या कुछ करने के लिए अलग तरीका कोई अपना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सेट वो नहीं करते हैं, उन्हें क्वेश्चन का नहीं पता होता है। छोटा सा कमेंट, जहाँ तक मुझे जानकारी है। ठीक है, छोटा सा कमेंट हवा सिंह जी, वो मुझे करेक्ट कर सकते हैं, उसकी जानकारी को करेक्ट करना चाहता हूँ। पेपर सेटर कौन होगा वो बोर्ड डिसाइड करता है, पेपर सेट होने के बाद भी बोर्ड उसको देखता है कि ये प्रॉपर है या नहीं है। ये सारे हिंदुस्तान की रिवायत है, हैराना की नहीं है। ऐसा नहीं है बोर्ड को पता नहीं है, बोर्ड को सारा पता है कौन पेपर सेटर है, इवन पेपर सेटर के नाम भी बोर्ड डिसाइड करता है। मैं तो इस का आदमी रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश का रहा हूँ, पंजाब का रहा हूँ, बिहार का रहा हूँ, राजस्थान का रहा हूँ, हरियाणा का रहा हूँ, इवन यूपीएससी का रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ बहुत सी चीजें डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का मैं बहुत साल रहा हूँ, ऐसा सब कुछ पता है। सेक्रेटरी अंडर काम करता है चेयरमैन को, सारा डिसाइड पेपर सेटर कौन हो। पेपर सेटर के सबसे बड़ी समस्या पेपर सेटर की है, वो भी देखे कि हमारा आदमी है या नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक पंजाब का उदाहरण देता हूँ, चलो बात छेड़ दी मेरे दोस्त ने, पंजाब में हुआ हमारे एक प्रोफेसर थे पंजाबी में, मर चुके हैं डॉक्टर कांग, उसने पर ही बता दिया और बाहर नंबर लगा दिए, पेपर ही नहीं चेक किया। मेरे पास इंक्वायरी थी, वो मैंने उसका रेकमेंड किया डिसमिसल कि पॉलिटिकल प्रेशर से और हाई कोर्ट के प्रेशर से उसका डिसमिसल स्वीकार नहीं किया। जी चलिए, मैं मुझे थोड़ा सा रोकना पड़ेगा आप दोनों को ही, क्योंकि अभी समय जो है वो अभी मुझे और ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है। फिर चर्चा करेंगे, लंबी चर्चा, इस पर चर्चा होती रहनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के जो परीक्षार्थी हैं, युवा हैं, उनके भविष्य का सवाल है, और उस पर अगर बात नहीं होगी तो फिर किस पर बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शंभू जी आपका भी और हवा सिंह जी आपका भी इस चर्चा में, आप मेरे साथ दोनों लोग जुड़े ऐसा आज की चर्चा में। सवाल आपका, में जो हम बात कर रहे थे कि हरियाणा में जो पुलिस का भर्ती पेपर का जो लीक हुआ है, आंसर की सामने आई है, पुरुषों की भर्ती थी 5500 लोगों की, अब उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, उनमें से कुछ लोगों को पकड़ा गया है, उनके ऊपर एक्शन क्या होगा, इसको लेकर भी सवाल हुआ कि असली जड़ कौन है, वजह क्या है, तलाश की जानी चाहिए कि कौन लोग इसमें शामिल रहे, और अगर इसको गहराई तक नहीं समझा जाएगा, नहीं जाया जाएगा, तो फिर ऐसी चीज़ें सामने आती रहेंगी, और इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो सरकार की साख के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती हैं। सरकार लोग चुनते हैं, किसी पार्टी की सरकार किसी प्रदेश में बनती है तो लोगों को भरोसा होता है कि व्यवस्थित तरीके से सरकार चलेगी और इस प्रदेश के लोगों को बेहतर शासन प्रशासन मिलेगा। लेकिन जब इस प्रकार से युवा पेपर देते हैं और काफ़ी साल एग्जाम की तैयारी करते हो जाते हैं और ऐसी खबरें सामने आ जाती हैं, तो उनका आने वाले कल का जो भविष्य अंधकार में नज़र आता है, उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है जिस पर काम होना चाहिए, और अगर काम नहीं होता है तो फिर सरकार की कार्यप्रणाली पर लोगों को विश्वास उठना स्वाभाविक सी बात है। अब इसको देखते हैं कितनी गंभीरता से सरकार लेती है, नहीं तो फिर आगे भी इस प्रकार के प्रसंग देखने को मिलते रहेंगे। अगर असल वजह इसकी नहीं पता चली और किन लोगों ने ऐसा किया, उन लोगों पर बढ़िया कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर ऐसा ही होता रहेगा। फिलहाल सवाल आपका, मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।